अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा अगेन। और आज मैं आपके लिए एक जदीद चीज़ लेकर के आई हूँ। यहाँ आपको पता है लोगों को बहुत शौक़ है कि उनके बाल लंबे हों, लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन है और पानी खारा आता है, तो बाल लंबे नहीं हो पाते। मैं उसके लिए लेकर के आई हूँ नया लिज। ये जो है एक येलो की प्रोडक्ट है अल्फा पाफ की तरफ से, और ये इजी लॉन्ग के नाम से है। ये शैम्पू है उसका, और ये एक्सेलरेटिंग शैम्पू है। इसका क्या मकसद है एक्सेलरेटिंग का? आपने जब आपने बाल वेट किए, उसके बाद आपने ये शैम्पू लगाना है। शैम्पू लगा के आपने अच्छी तरह विग्रेसली इसको मसाज करना है, ठीक है। आप जब इसको मसाज करेंगे तो ये इसके अंदर जो टिहिशन सीड्स हैं वो बालों को लंबा करती हैं, और ये गारंटीड और क्लिनिकली प्रूव्ड प्रोडक्ट है कि ये 44% आपके बालों की लेंथ ग्रो करेगा विद इन अ मंथ। इट इज़ अ गारंटीड थिंग, इट्स अ क्लिनिकली प्रूव्ड थिंग। तो एक दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। शैम्पू का तरीका आपको पता चला कि हमने वेट बालों में लगा के उसको अच्छी तरह मसाज करना है और रिंस ऑफ करना है। उसके बाद हमने ये कंडीशनर लिया है। ये कंडीशनर पे इजीली लिखा हुआ है कि ये री इन्फोर्सिंग कंडीशनर है। दैट मीन्स जब आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद जो बाल आपके गिरते हैं, जो डैमेज्ड बाल हैं, उनको रिपेयर भी करेगा और हेल्प करेगा। जो आपने एक्सेलरेटिंग किया, उसके बाद ये री इन्फोर्स करेगा आपके बालों को ग्रो करने के लिए। इसके बाद हम ये टोनर लगाएंगे। जब हमने शैम्पू किया, हमने कंडीशनर लगाया, अब हम ये टोनर लगाएंगे। टोनर सिर्फ रूट्स में लगेगा, ताकि ये एड करता है कि आपके बेबी हेयर वापस आएँ और आपके हेयर जो है वो ग्रो करें। इसलिए स्कैल्प के अंदर इसको मसाज करना है। ये एवरीडे मसाज है, कोई इससे आपका बाल ऑयली नहीं होगा। या इसके अंदर आपने एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट लेनी है, ये नहीं कि आपने कोई भर के लगा लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ मेड ऑफ टहिशियन सीड। 44% आपकी हेयर ग्रोथ को करेगा, हेयर फॉलिंग रोकेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके बालों में थिनिंग हो रही है तो थिकनिंग भी देगा। आई होप यू लाइक माई प्रोडक्ट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सबा।